अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको छोटा सा लॉन दिखाती हूँ, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी एक एक पत्ता भी उगा है ना, वो मैंने इनको देख देख के बहुत, और अभी आपको और बड़ी प्यारी चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बड़ी पसंद भी है, क्योंकि जब से मेरी दोनों कैट सिम्बा और बाहुबली गए हैं तब से मैंने तमाम कैट्स को बड़ा प्यार करना शुरू कर दिया है। और अभी ये जो है बाहर बैठा हुआ, मुझे नहीं पता मैं इसका क्या नाम रखूं, लेकिन हम इसको खाना हर रोज़ देते हैं और चाहते हैं ये पक्का हमारे घर आना शुरू कर दे और चले ना हमसे प्यार करे, लेकिन खाना खा लिया करे आके। अब मैं आपको इस वक्त पौधे दिखाती हूँ, और ये देखें बड़ा ही खूबसूरत मेरे प्लांट्स लग रहे हैं। मनी प्लांट को देखें किस कदर खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है, क्योंकि बरसात के बाद मैंने ये देखा है कि पौधे और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। ये भी मैंने 2 साल पहले लगाया था ग्रो बैग में, और ये बिल्कुल छोटी छोटी टहनियाँ थी घास की, लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि काफ़ी ग्रो कर गई हैं। लेकिन ये जो है ना मनी प्लांट, ये इसको हमें बदल बदल के लगाना पड़ता है, ये अक्सर जो है ना मुरझा जाती है और फिर नहीं लगा देते हैं टहनियाँ। और ये मनी प्लांट भी मेरी गमले में ही है, और नीचे ये स्नेक प्लांट पड़ा हुआ है। अभी कुछ अरसा, क्योंकि मैं अपने कैट्स के साथ बहुत सारा टाइम गुजारा और तकरीबन गार्डनिंग में भूल ही गई थी, तो इसलिए लॉन की थोड़ी सी जो तरतीब है, जो गमलों की तरतीब है और जो सारा कुछ है वो ठीक करने वाला है। लेकिन खुदा का शुक्र है तब भी शायद मेरी कैट्स की दुआओं से ही, कि हमने उसको बहुत बहुत केयर की, बहुत प्यार किया, तो इस वजह से शायद जो है ना खुदा ने हमें हर चीज़ से बड़े अच्छे से नवाजा है। ये देखें ये बाहर बैठा हुआ है, इसका मुझे नाम समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या रखूं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। बल्कि आजकल जितनी भी कैट्स मेरे घर आ रही हैं वो सभी मुझे बहुत पसंद हैं, और मैं चाहती हूँ ये आके एटलीस्ट हमारे घर खाना तो खाएं। और ये जो है इस पर हमारी ब्लू वेल्थ की बहुत अच्छी बेल जो है ग्रो कर गई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन हुआ ये है कि पता नहीं क्या हुआ है, वो मुझे बात ही समझ नहीं है। और ये भी देखें, ये सारा कुछ, ये मैंने जो बकेट है इसमें मैंने खाद बनाई हुई है, और ये मेरा जो है करी पत्ते का पौधा है, और ये माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा ना ये छोटा सा ट्री बन गया है, और इस पे जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं वो भी जो है ना वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड्स को दे देती हूँ। और ये आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये अब आगे अंधेरा बहुत आ गया, क्योंकि अंदर से बच्चों ने लाइट बंद कर दी है। और ये मेरी रात की रानी है, और रात की रानी का ये देखें फूल, इसको जब हम स्मेल करते हैं तो आप यकीन करें कि दुनिया का बड़े से बड़ा परफ्यूम जो है वो हमें मतलब इतनी खुशी और इतनी अच्छी खुशबू नहीं दे सकता जो कि इससे हमें मिलती है। इधर भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे पौधे पड़े हुए हैं, अभी बच्चों ने जाके अंदर जो है लाइट बंद कर दिया है, तो इसलिए बाहर का जो व्यू है वो थोड़ा सा लाइट की कमी होने की वजह से मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा सकती। और लास्ट ईयर ये था कि मैंने, क्योंकि खुद खाद बनाई थी लास्ट ईयर तो बच्चे मेरे पास थे उससे 2 साल पहले, खाद मैंने खुद बनाई थी क्योंकि मैंने कंपोस्ट बनाना सीख लिया था, और मैंने कंपोस्ट बनाई और उसका आप ये रिज़ल्ट देखें कि इस कदर खूबसूरत, इस दफ़ा 1000 टाइम, 2 साल पीछे जो काम किया था 1000 टाइम्स ज़्यादा जो मेरे प्लांट्स हैं वो बड़े फूले फले हैं और बहुत खूबसूरत शाइन उनमें आ गई है। तो मैं आपको एक वीडियो ऐसी ज़रूर, ये चाँद देखें, चाँद किस कदर खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और नहीं, ये चाँद नहीं है, ये नेबर्स की लाइट्स है, सॉरी, ये नेबर की लाइट चल रही है, लेकिन ये भी बहुत प्यारी लग रही है।
और ये हमारी बेल है और हवा भी बहुत बहुत अच्छी चल रही है। शाम को अगर आपका छोटा सा भी लॉन हो, आप उसमें बैठें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा व्यू होता है। और ये देखें इस पौधे का, मुझे बहुत सारे पौधों के नाम नहीं आते, पहले आते होते हैं पर आजकल मुझे भूल जाते हैं। तो मैं बड़े अच्छे से जो है अपना बहुत क्वालिटी टाइम प्लांट्स के साथ गुजारती हूँ, और जितने प्लांट्स मेरे पास हैं चाहे मुझे उनका नाम आए या ना आए, लेकिन मुझे उनकी जो हैबिट है, आदतें हैं, हाउ टू ग्रो, उनको क्या चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी छांव चाहिए, तो ये मुझे पता चल जाता है। देखें ये पौधा भी जो है, ये भी हमारा बहुत 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 ब्यूटीफुल प्लांट है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बड़ा ही खूबसूरत है। पौधा तो वैसे ग्रीन कोई भी हो और वो बड़ा हो तो कोई भी खूबसूरत ही लगता है, आंखों को भला लगता है। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम घर में चाहे चार गमले रखें, ग्रो बैग्स भी रख सकते हैं। अभी देखें ये मैंने ग्रो बैग्स भी रखे हुए हैं, ग्रो बैग्स भी हैं मेरे पास। ये देखें ये ग्रो बैग्स में भी अब मैंने इनमें छोटे छोटे फूल या कोई और चीज़ें लगाऊंगी। ये जो है ये मेरी खाद की और गोबर की खाद की बोरियाँ हैं, ये भी मैं आपको वीडियो ज़रूर ज़रूर डालूंगी ताकि आपको जो है कंपोस्ट बनानी आ जाए और आपको पता चले कि हम किन किन तरीक़ों से अपना जो जिन चीज़ों को मतलब हम वेस्ट समझते हैं वो किस कदर काम की होती हैं और उसे हमारे घर में किस कदर खूबसूरती आ सकती है। अब ये देखें ये जो है ये हमारा एरोकेरिया है, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ट्री है, बहुत प्यारा ट्री है, ये बेहद ब्यूटीफुल है। तो लगाया तो ये बहुत साल पहले था लेकिन खुदा का शुक्र है अभी भी ये बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। एक ये हमारी बेल है, एक ये वाली बेल है हमारी, और ये मॉर्निंग ग्लोरी की है और ये अभी सिर्फ चिपक रही है लेकिन बेहद खूबसूरत है। अभी इसको फूल नहीं लगे और अभी इसकी एज नहीं है फूलों की, जब ये ज़्यादा और मैच्योर हो जाएगा फिर इस पर बड़े अच्छे फूल लग जाएंगे। और ये देखें अभी बच्चों ने लाइट जलाई है अंदर से, ये देखें पौधे किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये भी मेरे ग्रो बैग्स पड़े हैं नीचे जो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि ये किस कदर अच्छे लगेंगे जब मैं इसमें फूल वगैरह लगा लूँगी। बहुत सारे पौधे जो हैं वो मेरे बच्चों की वजह से ऐसा हो गया कि उनको मतलब वो नहीं बड़ फूल फल सके क्योंकि बच्चे खेलते थे, छोटे थे बहुत, और इसलिए बात बन नहीं सकी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।